और ये पूरी की पूरी जगह है, 3.5 किलोमीटर जगह है, सब में हम लोग लगाएंगे और इसको फिर ले जाकर लाहौर में बेचेंगे और वहाँ से फिर सोने की ईंटें लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। तो पता है 1 करोड़ रुपए की गोभी लगी दी रशीद दी, 1 करोड़ भी थी इस पेट्रोल भी फुल मिले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त जो है मैं सुबह सुबह जो है अभी उठ चुका हूँ और आज जो है हम लोगों का थोड़ा सा प्लान अलग है, डिफरेंट है। और आज हम लोगों ने दो काम करने हैं। एक तो हम लोगों ने ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा ये खेत, इसमें हम लोगों ने आज हम लोगों ने लहसुन लगाना है। ये ज़मीन जो है इसमें कल हम लोगों ने हल चला दी थी और ये देखें जी टोटल ये सारी जगह है। आज इंशाल्लाह हम लोग इसमें शुरू करेंगे काम और इसमें जो है कितना लहसुन लगता है वो भी सर आपको बताएंगे। ये तकरीबन 3.5 किनाल जगह है, ये जितनी भी ज़मीन है ये सारी की सारी 3.5 किनाल जगह है। और इस 3.5 किनाल जगह में हम लोगों ने कितना लहसुन जो है वो हम लोग लेके आएंगे, कितना यहाँ पर लगाएंगे और देखते हैं, कोशिश करते हैं सब में लग जाए। अगर सब में न लगा तो कुछ जगह बच जाएगी मेरे पास। तो खैर जो भी होगा इंशाल्लाह वो सारे का सारा आपके सामने होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाई ये हम लोगों ने काम जो है वो स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर जो है ना हमारे साथ छतर के मायनाज जो बैट्समैन हैं, बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, ये यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है इस वक्त जो है काम करने मसरूफ़ हैं कैफ अली शाह। और ये जो है हम लोगों ने ना ये काम स्टार्ट किया हुआ है। अभी इसको जो है ना कुछ ये घर से लाया हुआ था, ये बाज़ार से लिया हुआ है, ये हम लोगों ने पहले लाया था। खैर जी पानी लोग हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी जो है यहाँ पर जो है हम लोगों ने कुछ यहाँ से स्टार्ट किया है, अभी यहाँ से आगे जो है ना स्टार्ट करना है। और ये पूरी की पूरी जगह है, 3.5 किनाल जगह है, सब में हम लोग लगाएंगे और इसको फिर ले जाकर लाहौर में बेचेंगे और वहाँ से फिर सोने की ईंटें लेके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। सैफ अली शाह भी हमारे पास आ चुके हैं इस वक्त थूम लगाने के लिए और वेलकम करते हैं उनको जी हम अपने साथ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ते। ठीक है, सही है जी। बूट शूट जो है हम लोग अभी उतार देते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। और ऐसे हम लोग इसमें से उठाएंगे और ये एक एक जो है इसके अंदर लगाते जाएंगे, हर एक फुट के बाद 6 इंच के बाद 1 फुट के बाद ये लगाएंगे। और इसके लगाने का तरीका ये है कि ये ऐसे हम लोग इसे फेंक देंगे इसके और यहाँ पर इस तरह। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसकी ये एक जो है हम लोगों ने यहाँ पर फेंक दी, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक अभी इस जगह में एक एक डालेंगे इसे और यहाँ तक। ठीक है, सिंपल है। अभी इसके ऊपर ऐसे हम लोग डाल देंगे मिट्टी थोड़ी थोड़ी, और पहले ज़माने में लोग इसको लगाया करते ऐसे कि इसका रुख ऊपर की तरफ हो, जिस तरह ये अब ऐसे लगाते। अभी थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो अभी इसमें ट्रेंड आ गया, अभी ज़रूरी नहीं है कि इसका मुंह इस तरह हो, जिस तरह भी हो ये अभी जिस तरह ये
इसके ऊपर ऐसे मिट्टी डालेंगे तो ये हल लग जाएगा जी। ये ऐसे यहाँ पर हमने लगा दिया, इसके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल दी, सिंपल, इस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है ऐसे कर दिया, ये है इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ये है इसके ऊपर ऐसे मिट्टी डाल दी, ये है इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, सिंपल। ये जो बहुत छोटी सी है इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, इसके ऊपर ऐसे, तो ये हो गया जी काम ख़त्म। यहाँ पर इसी तरह जो है ना, अभी हम लोगों ने ये सारी जगह में लगाना है और कुछ जगह में हम लोगों ने अभी तक लगा लिए। तो भाई अभी जो है कुछ काम हो चुका है, कुछ अभी बाकी है, और ऊपर जो है यहाँ पर काम लगा हुआ है। हम पर देखते हैं कि क्या कर काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से लगाया हुआ था उनका जो है ना लेसन की ये हालत है कि अभी जो है माशाल्लाह काफ़ी काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है। खैर जी ऊपर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या काम लगा हुआ है वो भी देख के आते हैं हम लोग। खैर जी फाइनली अभी हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर अभी तक चूना शूना नहीं डाला हुआ और उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। ऐसे हमारे गाँव में नहीं होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर जो है चूना डाला जाता है, उस दिन पूरे गांव वालों को इकट्ठे किया जाता है और उनको मिठाई बांटी जाती है, उस दिन देगें पकती हैं, उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट होता है। ये देखें जी यहाँ पर जो है शुएब हुसैन शाह यहाँ पर ही खड़े हैं जी, और इनका जो है यहाँ पर घर जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और इधर उन लोगों ने जो है यहाँ पर अभी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर जो है गोभी भी लगी हुई है। तो खैर अभी जो है इस बात पर अलग से जुर्माना होगा। और ये जो है ये हमारे सामने खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ना हूँ तो मैं कोई गल दस, ठीक है व्यूवर्स को भी दस कि बगैर मिठाई दी तू क्या शुरू करने का शुरू को थे पूरी साथ में पलटन लगी हुई जी, वो साथ में दो लड़के वो बैठे हुए हैं, साथ में ये बैठे हुए हैं, सारे के सारे जो है काम कर रहे हैं और बगैर मिठाई के तुम लोगों ने काम शुरू कैसे किया? ऐसे काम नहीं चलते भाई, काम आपको मैं इसी जब काम शुरू, ये देखे ना ये गोभी साथ में लगी हुई अभी इनके साथ डिस्कस करते हैं और उनसे इस मकान को जो है स्टार्ट करते हैं, आज ही स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह देखने आज ही बन जाए इंशाल्लाह। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है कंडाओ, कंडाओ बालीबंग, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो दिखा दीजिए कि जगह भाई जगह कितनी खूबसूरत है। और इन दोनों में हमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है लकड़ियों की। और हमारे सामने जो दरख्त है ये देखें जी, ये इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत दरख्त है कि बिल्कुल जो है ना ये घर तक पहुंचाने की देर है, फर पे जलेगा खुद, ठीक है ना। तो बाकी जी ये देखें जी, बाकी इतनी खूबसूरत जगह है। ये सामने जो है इसको हम शोरगर्रा बोलते हैं और हम लोग उत्तर बोलते हैं, जहाँ पे चावल की फसल होती है। तो बाकी ये जगह देखें जी, बाकी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर हमारे दोस्त रहते हैं, उन्होंने जो है हमारा जो है दावत की हुई है, तो चले जी दावत का जो प्रोग्राम है वो करते हैं। तो भाई हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बखूनी लाला घर, और ये देखें आप जी बखूनी लाला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, ये खड़े हैं और इन्होंने अभी हमारी दावत की हुई है। देखते हैं कि भाई ये जो है कितने जो है इन्होंने हमारी आज इन्होंने खातिर किए। तो भाई खाना हमारा आ चुका है, ये जी बखूनी लाला हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़ा तकल्लुफ उन्होंने किया है माशाल्लाह जी। यहाँ पर जो है बिरयानी बनी हुई है, साथ में कबाब है और साथ में जो है इन्होंने ये रोस्ट बनाए हुए रायता है, और ये इन्होंने सब्ज़ी जो है गोश्त वाली बनाई ज़बरदस्त किस्म की, फ्रूट है साथ में, और इस तरह जो है ये रोटियां इसमें सलाद बनी हुई है। तो माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सेटअप किया। तो चलें जी खाना खाते हैं।